प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया है, ये कैसा इंडी गठबंधन है? देखिए ये ठग बंधन है, आप मेरा वो उठा करके देखिएगा। मैंने जब बेंगलोर में इन लोगों का मंथन चल रहा था तो हमने कहा था माइनस की संख्या चाहे जितना मिला दें वो जीरो को पार नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से ये जनता द्वारा रिजेक्टेड, जनता द्वारा नाकारे हुए लोग, इन्होंने एक ऐसा ठग बंधन बनाया जिसमें सबको अपने अपने परिवार की चिंता है, अपनी अपनी पार्टी की चिंता है कि कैसे हम अपने परिवार और अपनी पार्टी को बचाएं। तो निश्चित रूप से ये ठगबंधन की गांठें खुलने लगी हैं और अभी सिर्फ फुड़ी फड़ोवल शुरू हुआ है। अभी आगे आगे देखते जाइए इनमें किस तरह से लाजूता होगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति ने स्वीकार किया। हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में फिर से चुन करके आएंगे। ये ठग बंधन जो ये बंधन है इसकी गांठें खुलने लगी, बिखर जाएगा, ये निश्चित रूप से बिखर जाएगा। आप देखिए बिखर ही रहे हैं और बिखरेंगे। देखिए हमने यूपी में जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात हो, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स की बात हो, 2 एयरपोर्ट थे आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। पूरे भारत का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे है। अभी 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो आने वाले कुंभ तक शुरू हो जाएगा, और 6 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। देश के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। नीतीश जी मोदी जी की फिर तारीफ कर रहे हैं, कल उन्होंने बिहार में तारीफ की और आप एक बहुत अच्छे राजनीतिक व्यवस्था में समझने वाले हैं, तो क्या कहते हैं ये इंडिया का जो गठबंधन है इसी अपने घरों में उठा रहेगा? देखिए मैंने कहा ना कि सबको अपनी अपनी बचाने की, अगर आप उनके जो गठबंधन है उस गठबंधन के बारे में देखेंगे सोचेंगे तो कोई जमानत पर है, कोई जेल से छूट करके आया है, कोई जेल जाने वाला है, इस तरह की बहुत सारे लोग अपने 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 स्वार्थ बस इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसी तरह से जैसे अभी आप अखिलेश यादव और अजय राय का बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गठबंधन ठग बंधन है। इनका जो ठग बंधन है एक पार्टी विशेष परिवार विशेष का है। हमारा जो बंधन है, हमारा जो गठबंधन है हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति के साथ, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति के साथ, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले हर व्यक्ति के साथ, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनते हुए देखते हुए सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोगों के साथ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।